सो हेलो, नया अपडेट वीडियो। एंड मुझे एक्चुअली अपने प्रोग्रेस के बारे में बताना था कि पिछले वीक में चैलेंज कैसा गया, क्या क्या प्रॉब्लम्स आए। बादल गरज रहा है एक्चुअली, तो बारिश होने के हाई चांसेस। जो चैलेंज था, जो जितने भी मैंने रूल्स बताए, जितनी भी सारी चीज़ें थी उसमें, वो सारे इंक्लूड करा के शेड्यूल इतना ज़्यादा टाइट हो चुका है, प्लस मेरा जॉब भी मिला के, तो वो इतना ज़्यादा टाइट हो चुका है, इतना ज़्यादा हेक्टिक हो चुका है, और उसे फॉलो करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट भी हो चुका है। अब इस चैलेंज के कुछ अच्छे साइड्स भी थे, कुछ बुरे साइड्स भी थे। अब दोनों को मैं एक एक करके लेता हूँ। सबसे पहले अच्छे साइड्स की बात कर लेते हैं कि एक सबसे मेजर चीज़ जो मुझे अभी लगी, दैट वॉज क्लियरिटी ऑफ माई थाट्स। इतना ज़्यादा क्लैरिटी ऑफ माइंड और क्लैरिटी ऑफ थॉट्स मैंने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। पहले बहुत बार मैंने भी ब्रेन फॉग, जो आप भी एक्सपीरियंस करते हो, ब्रेन फॉग बेसिकली क्या होता है, ऊपर से बता देता हूँ। ब्रेन फॉग बेसिकली ऐसा है कि आप लोग किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो और आप बीच में अटक जाते हो और भूल जाते हो कि भाई मैं किसके बारे में सोच रहा था, मैं क्या करने वाला था, तो इसको बोलते हैं ब्रेन फॉग। बट अभी जो मैं जितने भी काम कर रहा हूँ और जितनी भी ज़्यादा मैंने प्रोग्रेस देखी है, वो बहुत ही फास्ट लेवल पे हो रही है। वो इतनी ज़्यादा स्पीड में हो रही है, इतनी ज़्यादा पेस में हो रही है कि मैं खुद कभी कभी हैरान हो जाता हूँ कि मेरा माइंड इतनी ज़्यादा स्पीड में कोप अप कैसे कर पा रहा है। सो द बेस्ट पार्ट अबाउट इट वॉज क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। सेकेंड वॉज, दो मिनट, एंगल चेंज। एंड सेकेंड चीज़ जो मैंने एक्सपीरियंस की, विच वॉज मेरी जितनी भी सारी अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स थी, जितना भी मैं कुछ इधर उधर का बाहर का खाया करता था, वो कट डाउन करने की वजह से काफ़ी ज़्यादा पेट आपको भरा भरा सा लगता है, तो वो सारी चीज़ें एकदम एलिमिनेट हो चुकी है। और इसमें मैंने आपको उस चैलेंज के इसमें बताया नहीं था, बट द थिंग विच आई हैव एडेड ऑन वॉज इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग मैंने इसलिए एड ऑन किया बिकॉज वॉट आई फेल्ट वॉज इंटरमिटेंट फास्टिंग मेरे लिए एक काफ़ी सही चीज़ थी। अगर मुझे फैट जल्दी से जल्दी बर्न करना है तो दिस वॉज द बेस्ट थिंग पॉसिबल। अब मैं जो डाइट फॉलो कर रहा हूँ उसके बारे में आपको बता दूंगा, बट एक साइकिल के बारे में आपको एक छोटा सा एक आइडिया दे देता हूँ। सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक मेरा एक ओपन साइकिल होता है जहाँ पे मैं खाना खा सकता हूँ, और उसके बाद पूरा दिन फास्टिंग होती है। ये मैं एक्चुअली मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा बिकॉज मुझे थोड़े बहुत इशूज़ भी आए इसकी वजह से, एंड दीज इशूज़ वेयर लाइक एसिडिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। मैं कुछ भी खा रहा था, आई यूज़ टू फील अ बर्निंग सेंसेशन। और इसमें हो क्या रहा था कि आपके बॉडी को आदत पड़ चुकी है सुबह, दोपहर और शाम में खाना खाने की, बट अभी अगर आपने एकदम कट डाउन ही कर दिया सारी चीज़ों को, तो वो बॉडी कोप अप करने में थोड़ा टाइम लेती है। तो मैं भी अपने बॉडी को टाइम दे रहा हूँ, देखते हैं 1-2 हफ्ते बाद कैसा होता है, क्या होता है। होपफुली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो बर्निंग सेंसेशन है, ये जो एसिडिटी का इशू आ रहा है, वो जल्दी से जल्दी कम हो जाए। सो दिस हैज़ बीन द मेजर अपडेट अबाउट डाइट। कुछ चीज़ों के बारे में कभी कभी आप सोचते हो कि क्या मुझे ये चीज़ फॉलो करनी चाहिए, क्या मुझे ये 90 डेज चैलेंज दिखने में बहुत डिफ़िकल्ट दिख रहा है, क्या मुझे ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ये डाउट मेरे भी दिमाग में था, मैं सोचता था कि यार क्या मैं इसको कंसिस्टेंटली फॉलो कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। बट इन द एंड एक चीज़ है कि अगर आपको करना है, अगर आपको लाइफ में कुछ ना कुछ मेजर चेंज चाहिए, अगर आपको लाइफ में वो किक चाहिए, एंड दिस इज़ हाउ यू कैन ट्रेन योर माइंड एंड बॉडी टू वर्क कंसिस्टेंटली। और ये एक्चुअली एक बॉडी प्लस माइंड वाला चैलेंज है, यानी आपका माइंड भी ट्रेन हो रहा है यहाँ पे और आपकी बॉडी भी ट्रेन हो रही है। सो इट्स एक्चुअली अ विन विन सिचुएशन। यहाँ पे सिर्फ आप मसल मास नहीं गेन कर रहे हो, उसके साथ आपका थोड़ा सा दिमाग भी खुल रहा है। तो जितने भी सारे लोग थोड़े से डरे हुए इस चैलेंज के बारे में, जितने भी सारे लोग सोच रहे अभी भी कि मैं कर लूँगा नहीं करूँगा, जो भी होगा आगे देख लेंगे, आप लग जाओ काम पे एंड जस्ट स्टार्ट विथ योर फर्स्ट डे। टेक योर बेबी स्टेप्स, स्टार्ट स्मॉल एंड देन स्केल इट अप। वैसे बॉयज ये जगह तुमको काफ़ी कम टाइम के लिए दिखेगी अभी, दिस कुड बी द लास्ट टाइम, फ्यू ऑफ द लास्ट टाइम दैट आई विल बी रिकॉर्डिंग इन दिस प्लेस। बड़ी प्यारी सी जगह थी, दुनिया से थोड़ा कट के, कोई नहीं होता है आसपास, एंड थोड़े बहुत ऐसे आगे फॉरेस्ट सा भी सीन है, तो हाँ नेचर की आवाज़ आती रहती है, एंड यू कैन जस्ट रिलैक्स एंड हैव कंट्रोल ओवर योर थॉट्स। सो अपने आसपास भी, अगर आप सिटी में भी रहते हो, तो आसपास आपको कोई ना कोई ऐसी जगह मिल जाएगी जहाँ पे आपको डिस्टर्बेंस बहुत ही कम मिलेगा। सो मेक अ हैबिट, बिल्ड अ हैबिट कि वहाँ पे जाके थोड़ा सा एक अकेले में टाइम स्पेंड करो, अपने थॉट्स को एनालाइज करो और समझो कि यार पर्पज़ क्या है आपका लाइफ में, आप करना क्या चाह रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब लोग फिगर आउट कर लेंगे एक बारी में सारी चीज़ें, बट एटलीस्ट अगर आपको डायरेक्शन भी दिख जाए तो भी बहुत बड़ी चीज़ है। और होता क्या है ना कि वो डायरेक्शन लाइफ के एंड तक भी कई लोगों को दिख नहीं पाती, तो एटलीस्ट वो डायरेक्शन भी अगर आपको दिख जाए तो भी बहुत बड़ी चीज़ होगी। सो फाइंड अ प्लेस समथिंग काम लाइक दिस एंड एक्सप्लोर योर थॉट्स। अभी लाइट भी काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं रिकॉर्ड कर पाऊँगा इसमें, तो डायरेक्टली मिलते हैं घर पे एंड वहाँ पे ही होगी सारी आगे वाली बातें। बाय बाय। ऑलराइट, तो कल मैं कुछ ज़्यादा ही जल्दी सो गया था बिकॉज आपको अगर स्लीप शेड्यूल पता है तो वो 4 घंटे वाला स्लीप शेड्यूल फॉलो कर रहा हूँ, तो जल्दी सो के जल्दी उठना पड़ता है जस्ट टू गेट दैट एक्स्ट्रा टाइम।
बट ओवरऑल एक लास्ट पॉइंट जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना था, जो एक काइंड ऑफ इस चैलेंज का यू नो कॉन की साइड में आता है, तो ये है कि मैं थोड़ा सा लो ऑन एनर्जी फील कर रहा हूँ। आपकी बॉडी को फंक्शन करने के लिए एक स्पेसिफिक कैलोरी इंटेक की ज़रूरत होती है, और वो कैलोरी इंटेक अगर पूरा ना हो तो आपको थोड़ा सा लेथार्जिक फील होगा। लेथार्जिक माने यानी थोड़ा सा यू नो आलसी आलसी सा फील होगा, टायर्ड सा फील होता है। तो थ्रू आउट दिस चैलेंज मुझे कंटिन्यूसली थोड़ा थोड़ा ऐसा वीकनेस सा फील हो रहा है। अभी यूजुअली कहा जाता है कि आप ब्रेकफास्ट में थोड़ा ज़्यादा खाओ, लंच में थोड़ा कम खाओ और डिनर में एकदम कम खाओ, बट हमारे यहाँ पे अपनी वर्क लाइफ स्कूल लाइफ बैलेंस करते करते ऐसा हो जाता है कि हम लोग डिनर में सबसे ज़्यादा खाते हैं। तो वो सबसे मेजर गलत बात होती है जिसकी वजह से आप कंटिन्यूसली वेट पुट ऑन कर रहे हो। एंड मुझे एक ख्याल आया था कि मैं अगर इसको एक कट डाउन कर दूंगा पूरी तरीके से, जिसकी वजह से इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो कर रहा हूँ, तो काफ़ी जल्दी फैट बर्न करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। डिस्क्लेमर, आई एम नॉट अ डाइटिशियन, तो ये एडवाइस कभी कोई फॉलो मत करना। मैं कर रहा हूँ, मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था इसके बारे में इसकी वजह से, एंड आई फील मुझे इसके रिजल्ट दिख रहे हैं, मुझे वेट थोड़ा कम होते हुए दिखा है। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको अगर वेट लॉस करना है तो उसको ट्रैक में रखना चाहिए। आपके जो भी गोल्स है उसको बस ट्रैक में रखो। अगर आप ऐसे ही अंधाधुन बस फॉलो करते रहोगे चैलेंज को, तो आपको इफेक्ट्स नहीं दिखने वाला, आप इसे कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर पाओगे। सो मेक अ हैबिट कि एवरी संडे या फिर एवरी सैटरडे नाइट आप लिख रहे हो आपका जो भी गोल है, आपके जो भी टारगेट्स है। अगर आपको मसल ग्रो करने हैं 90 डेज में, या फिर आपको वेट लॉस करना है 90 डेज में, या फिर आपको वो जो बुक रीडिंग की हैबिट थी वो आपने लाइक पूरा हफ्ता कैसे परफॉर्म किया उसमें, वो सारी चीज़ें, तो मेक अ हैबिट कि एक छोटी सी कोई भी डायरी हो आपके पास, समथिंग लाइक दिस, और उसमें बस थोड़ा थोड़ा ट्रैक डाउन करते जाओ अपने प्रोग्रेस को। बस ये छोटी चीज़ करने से आपको एक ज़मीन आसमान का डिफरेंस दिखेगा आपकी कंसिस्टेंसी में। बिकॉज जब आप कोई ना कोई रिजल्ट्स देखते हो ना, आप जो भी चीज़ फॉलो कर रहे हो उसमें, तो आपको और ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती उसे परफॉर्म करने में, बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। आपके ब्रेन को एक बार पता चल गया कि भाई अगर मैं ये कर रहा हूँ और उसके ये रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो अगर मैं इस चीज़ को लॉन्ग टर्म में करूँगा तो समझो कि वो कंपाउंडिंग इफेक्ट कितना ज़्यादा अच्छे से काम करेगा यहाँ पे। तो आई फील दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। ये कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स है जो मुझे डिस्कस करने थे आप लोगों के साथ। एक बार बस सोचा कि आपको एक आइडिया दे दूँ, एक हिंट दे दूँ कि क्या क्या चीज़ें हो रही है। बाकी आई फील कि मैं जब तक इस वीडियो को रिलीज़ करूँगा तब तक ऑलरेडी 15 डेट आ चुकी होगी, एंड 15 डेट को मैंने आपसे कहा था कि कुछ बड़ी चीज़ होने वाली है मेरे लाइफ में, सो उसके ऊपर जल्दी ही एक अपडेट वीडियो आएगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज कीप इंस्पायरिंग।